कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, पेट में गैस बहुत बनती है, एसिडिटी है, बदहजमी है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, शरीर के अंदर आर्टरीज ब्लॉक होने का डर है, हार्ट अटैक होने का डर है, नसों में ब्लॉकेज होने का डर है, नसों को साफ करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को मेंटेन रखना चाहते हैं, शरीर में पानी की कमी ना हो, जिनको UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है, ऐसे लोगों को ये जूस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको लौकी के बारे में कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा जो शायद ही आपको पता होंगे। हम लौकी को ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं क्योंकि हमें लौकी के बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता होता। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को लौकी के 7 बेनिफिट्स बताऊंगा। स्पेशली लौकी का जूस आपको क्यों पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके हार्ट से संबंधित हैं, जॉइंट से संबंधित हैं, स्किन से संबंधित हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं, ब्रेन से संबंधित हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सहज जोशी है, मैं एक कंसल्टिंग होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आज आप सभी के सामने एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, मेरी वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। लौकी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता कि हम इसको इस्तेमाल ना करें। अब इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लौकी में 95% पानी मौजूद होता है, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी लगती हो, आपका दिमाग सही से नहीं चल रहा हो, आपको कब्जियत, कब्ज का प्रॉब्लम हो रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही हैं, अगर आप लौकी का जूस इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके अंदर कई सारे ऐसे न्यूट्रिशनल चीज़ें पाई जाती हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, और 95% पानी होने की वजह से ये आपके शरीर के अंदर पानी की कमी तो बिल्कुल नहीं होने देता है। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट ये होता है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी शरीर के अंदर ब्लॉकेज हैं, अगर खून जमने के चांसेस हैं, क्लॉट होने के चांसेस हैं, आर्टरी के अंदर क्लॉट होने के चांसेस हैं, और नसों के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आप हज़ारों रुपए की दवाई खा चुके हैं, कई सारी दवाइयां खा चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो केवल एक लौकी के जूस से इन सभी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। लौकी का जूस पीने से आपके शरीर के अंदर खून का संचार सही से होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम होना स्टार्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होना स्टार्ट हो जाता है, हाई BP मेंटेन हो जाता है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट की कई सारी बीमारियों के रिस्क को कम करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि शरीर के अंदर ब्लॉकेज नहीं हो, नसों के अंदर ब्लॉकेज नहीं हो, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, आपका BP नहीं बढ़े, तो आपको एक बार ज़रूर लौकी के जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा इसका मेजर बेनिफिट होता है, ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ का होता है। इसके अंदर एल्कलाइन होते हैं, किडनी से संबंधित इन्फेक्शन, पेशाब की नली से संबंधित इन्फेक्शंस आपको जब हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जमा शरीर के अंदर होने लग जाते हैं, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पेशाब को बढ़ा देती हैं। यानी कि आपको बार बार पेशाब आप जाएंगे तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए यानी किडनी के सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो शुगर नहीं ले सकते, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी मेडिसिन का काम करता है जो आप आसानी से डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को भी दे सकते हैं। क्योंकि लौकी को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर रखा गया है, जिसकी मदद से डायबिटीज़ के पेशेंट को आप इसे आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर कोलीन पाया जाता है जो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है उसे कम करने में काफी मदद करता है। आप वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शरीर में फैट जमा ना हो, बेली फैट ना हो, आपके साइड्स में
फैट नहीं बढ़े, तो आपको लौकी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली इसका जूस बनाकर आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। तो अगर आप लौकी का सेवन कर सकते हैं तो आपको ये ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आसानी से हर किसी चीज़ के अंदर नहीं मिलती, और एक साथ कई सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे लोग जो काफ़ी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनको हो रही हैं, वो लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें। शरीर के अंदर आर्टरीज ब्लॉक होने का डर है, जिनको हार्ट अटैक होने का डर है, जिनकी नसों में ब्लॉकेज होने का डर है, जो नसों को साफ करना चाहते, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं, जिनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो, जिनको बहुत ज़्यादा बार बार यूटीआई का इन्फेक्शन होता है, ऐसे लोगों को लौकी का जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये आपके गले के अंदर खराश को दूर करने में मदद करता है। जिनको बार बार खराश हो जाती है गले में, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली गर्मियों की सीज़न में जब कोई भी हम फ्रिज का ठंडा पानी पी ले, गले में खराश हो जाए, ऐसे केसेस में भी लौकी का जूस काफ़ी अपने अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। इसका सातवां मेजर बेनिफिट होता है, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके शरीर के अंदर जा कर के वेट लॉस में तो मदद करता ही करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी लौकी का जूस बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले, तो आपको लौकी का जूस ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी लोगों को कितना फ़ायदेमंद लगी। अगर बात करें लौकी का जूस आपको कब और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, इसका आप एक गिलास सुबह डेली पी सकते हैं। आप इसे सुबह सुबह खाली पेट एक गिलास ज़रूर उपयोग कीजिएगा। लेकिन एक ख़ास बात का आपको लौकी के जूस के साथ में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप इसको बनाकर तुरंत आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप इसको स्टोर करेंगे, आप इसको बनाकर कुछ देर के लिए अगर रख देते हैं, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, और लौकी के जूस का फ़ायदा मिलने की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। मुझे आशा है इस वीडियो से आप बहुत सारी ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल होगी। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।